भारतीय रुपए के अच्छे दिन नहीं चल रहे, डॉलर के मुकाबले ये लगातार कमजोर होता जा रहा है। आलम यह है कि इस साल अक्टूबर से दिसंबर तक में एशिया के 48 देशों में सबसे कमजोर करेंसी बन गया है। इस वक्त एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 75.45 रुपए है। 1 जनवरी 2021 को ये 73.09 रुपए पर था। भारतीय रुपए में गिरावट के लिए 4 कारण हैं। विकसित देशों के इन्वेस्टर्स का भारतीय शेयर मार्केट से पैसा निकालना, अमेरिकी केंद्रीय बैंक के 0.75% ब्याज दर बढ़ाने के संकेत, वहीं रुपए पर दबाव कम करने के लिए RBI डॉलर बेचता है, जो कि इस साल नहीं हुआ है। जोखिम कम करने के लिए सोने की तरह डॉलर जुटाने का चलन भी बढ़ गया है। रुपया टूटने से बिजनेस का फायदा हो रहा है, वहीं आम लोगों को नुकसान। सामान एक्सपोर्ट करना बिजनेसमैन के लिए फायदेमंद है। रुपए की वैल्यू कम होने से फॉरेन टूरिस्ट के लिए भारत आना सस्ता हो जाता है और भारतीय मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को भी फायदा होता है। नुकसान की बात करें तो रुपया कमजोर होने से पेट्रोलियम और गोल्ड के दाम बढ़ेंगे, देश में विदेशी निवेश घटने लगेगा, सामानों की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, विदेश में पढ़ाई करना महंगा होगा। अब आपको बताते हैं कि किसी देश की करेंसी मजबूत या कमजोर कैसे होती है। हर देश के पास दूसरे देश की करेंसी का भंडार होता है। जो देश जितना ज्यादा सामानों का निर्यात करता है, उस देश के पास उतनी ही ज्यादा विदेशी करेंसी होती है। किसी देश के पास जब विदेशी करेंसी कम हो तो उस देश की करेंसी की कीमत कम हो जाती है। इसके अलावा किसी देश के पास कितना सोना है, इससे भी उस देश की करेंसी की कीमत तय होती है। दुनिया के सबसे 5 मजबूत करेंसी की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर अमेरिकी डॉलर है, दूसरे नंबर पर यूरो है, तीसरे नंबर पर है जापान की करेंसी येन, चौथे नंबर पर है दुनिया की सबसे पुरानी करेंसी ब्रिटिश पाउंड और 5वें नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अमेरिकी डॉलर को स्टेबल करेंसी माना जाता है, इसलिए दूसरी करेंसी की तुलना भी इसी से की जाती है। दुनिया भर में 85% व्यापार डॉलर से होता है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में 64% विदेशी करेंसी डॉलर के फॉर्म में ही होती है। दुनिया भर में 39% कर्ज US डॉलर में दिए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी करेंसी के बढ़ने या घटने की कई वजह है। लॉकडाउन के बाद भारतीय कारोबार बंद रहे, जिससे सामान का निर्यात नहीं हो पाया, ऐसे में भारत के पास विदेशी करेंसी नहीं आई। दूसरी ओर ऑक्सीजन सिलेंडर, दवा समेत कई चीजों की खरीद के लिए पहले से जमा डॉलर खर्च करने पड़े। महंगाई, बेरोजगारी जैसी चीजों की वजह से भी किसी देश की करेंसी कमजोर या मजबूत होती है। तो ये थी कमजोर होते रुपए की इनडेप्थ स्टोरी। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।